धमतरी जिले में छत्तीसगढ़ स्वच्छता दीदी महिला पुरुष महासंघ ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर गांधी मैदान में 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के आज आखिरी दिन स्वच्छता दीदियां रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंची और अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि धमतरी नगर निगम क्षेत्र में स्वच्छता दीदी 2017 से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का कार्य कर रही है, जिसके बदले उन्हें मानदेय के तौर पर प्रति माह 7,200 रुपये मिलता है, जिसको लेकर स्वच्छता दीदियों का कहना है कि इतने कम मानदेय में परिवार का भरण पोषण कर पाना मुश्किल है, जिसके चलते स्वच्छता दीदी कलेक्टर दर में मानदेय पीएफ राशि काटने और साप्ताहिक अवकाश देने की मांग कर रहे हैं। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने की बात कह रहे हैं। बहरहाल जिला प्रशासन ने उनकी मांगों को शासन स्तर तक पहुँचाने की बात कही है। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। मोर नाम ईश्वरी साहू है, मैं संभाग के जिला अध्यक्ष हूँ यहाँ। और कोरोना काल में इतना काम करथन भैया, पन्नी वन्नी सब लछाथन, एक छाथन, गीला कचरा सूखा कचरा इतना काम बढ़ा दे शासन प्रशासन है, पता नहीं बहुत हद हो गए। और सब्जी भाजी की महंगा इतना बढ़ गए कि लैका मन के हमन हाँ परवासी नहीं कर सकन। कोरोना काल में आप करते करते पूरा हमारे जान ले दे। हम लोग का 3 सूत्रीय मांग है। पहला मांग है कलेक्टर दर में मानदेय राशि होना चाहिए, दूसरी मांग है पीएफ राशि कटनी चाहिए, और तीसरी मांग है 1 दिन का साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए, जो सभी विभाग को मिलती है। अभी हम लोग 2 साल हो गया मांग कर रहे हैं, 2 साल हो गया हड़ताल कर रहे हैं। 2022 से हम लोग की हड़ताल इन 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हो रहा है, लेकिन अभी तक शासन नहीं सुने हैं, एक भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किए हैं। इसलिए हम लोग को आज ना और हड़ताल में बैठना पड़ा, और 3 दिवसीय का हड़ताल था हमारा, 2 दिन से बैठे और 1 दिन का आज रैली निकाले थे, आज तीसरा दिन है। और अगर आगे हमारी बातों को शासन नहीं सुनते हैं तो हम लोग और बढ़ा सकते हैं हड़ताल को। मुख्यतः इनकी 3 मांगे हैं, जैसे कि उनको कलेक्टर दर पर जो है मानदेय मिले, और छुट्टियों का जो उनको प्रावधान नहीं है, अभी जैसे संडे भी उनको काम करना पड़ता है, तो बाकी शासकीय कर्मचारियों की तरह उनको उसके लिए भी छुट्टी का भी प्रावधान हो उनके सेवा नियमों में। और तीसरा ये कि अगर वो कभी छुट्टी लेते हैं तो उसका जो मानदेय कटौती होता है, वैसी समस्या जो उनको फेस करनी पड़ती है वो ना हो। इस तरह की 3 मुख्य मांगे उन लोगों ने रखी हैं, जिस पे अभी ज्ञापन प्राप्त किया है प्रधानमंत्री महोदय और सीएम सर और अरुण सर जो मंत्री हमारे माननीय मंत्री जी जो हैं अर्बन डेवलपमेंट के, उन तीनों के नाम से इन्होंने ज्ञापन दिया है। तो उसको हम शासन को इसको प्रेषित करेंगे ताकि इनकी जो मांगे हैं शासन तक पहुंची जा सके।